कृपा हम सब पर हो प्रभु महिमा तेरी अपार। तू है मन की आशा, तू है मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ पार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रियजनों, आप सबको प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन नाम पर आज के इस परम पवित्र मिसा बलिदान में स्वागत करता हूं। जब कभी भी हम प्रभु के पास आते हैं, आनंद के साथ आते हैं, क्योंकि हमें प्रभु मिलने वाले हैं। हम सभी प्रभु यीशु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हमारी आत्मा भी प्रभु यीशु के दर्शन के लिए तरसती रहती है। वचन में भी वही पाते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 42 के 2-3 में वचन कहता है, ईश्वर जैसे हरिणी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर का दर्शन करूंगा? हमारी आत्मा ईश्वर के दर्शन के लिए तरसती है। आगमन काल में हम भी ईश्वर के दर्शन करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। आगमन काल के तीसरे सप्ताह में हमारे जो आग्रह ईश्वर को देखने के लिए, जो इच्छा हमारी अंदर है, उसे आगे ले चले। यदि हमें ईश्वर को देखना है, हमें पवित्र होना पड़ेंगे। इसलिए अपने जीवन को पवित्रता के मार्ग पर आगे ले चलें। उसके द्वारा जरूर हम ईश्वर के दर्शन पाएंगे। और साथ ही साथ आज के इस पवित्र मिसा बलिदान को उन सभी लोगों के उद्देश्यों के लिए चढ़ाना चाहता हूं जिन्होंने आज के इस पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए निवेदन किए हैं। और साथ ही साथ हमारे व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को और जितने भी लोग हमसे प्रार्थना करने के लिए अर्जी किए हैं, सभी प्रार्थनाओं को इस पवित्र बलिवेदी पर समर्पित करते हुए आइए हम अपने जीवन को परख कर देखें। क्या मेरी आत्मा सचमुच में प्रभु के दर्शन के लिए तैयार है? जब हम पाप में गिर जाते हैं, हमारी आत्मा में कलंक लग जाता है। इसलिए आइए इस वक्त अपने सभी पापों के लिए, कमियों के लिए, कमजोरियों के लिए प्रभु यीशु से और जिन जिन के विरोध में हमने पाप किए उनसे क्षमा की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धनी मरियम से, सब सदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन ले। हम इस बात से आनंदित है कि तेरे एकलौते पुत्र ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया है। ऐसे कृपा कर कि जब वे अपनी महिमा में पधारे तो हम उनके द्वारा आनंद जीवन प्राप्त कर सकें। उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा
जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और होठों को शुद्ध करें ताकि आप योग्य रीति से ईश्वर की वाणी सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पहला पाठ श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 वचन संख्या 8-14। पाठ का मूल वाक्य है, मेरा प्रियतम पर्वतों पर उछलते कूदते आ रहा है। मैं अपने प्रियतम की आवाज सुन रही हूँ। वह पर्वतों पर उछलते कूदते पहाड़ियों को लांघते हुए आ रहा है। मेरा प्रियतम चकोर के सदृश है अथवा तरुण मृग के सदृश। वह हमारी दीवाल की ओट में खड़ा है। वह खिड़की से ताक रहा है। वह जाली में से झांक रहा है। मेरा प्रियतम बोल रहा है। वह मुझसे कहता है, प्रिय सुंदरी उठो मेरे साथ चलो। सुनो, शीतकाल बीत गया है, वर्ष ऋतु समाप्त हो रही है, पृथ्वी पर फूल खिलने लगे, गीत गाने का समय आ गया और हमारे देश में कपोत की कुजन सुनाई दे रही है। अंजीर के पेड़ में नए फल लगे हैं और दाखलताओं के फूल महक रहे हैं। प्रिय सुंदरी उठो मेरे साथ चलो। मेरी कपोती चट्टान की दरारों में, पर्वतों की गुफाओं में छिपने वाली, मुझे अपना मुख दिखाओ, अपनी आवाज सुनने दो, क्योंकि तुम्हारा कंठ मधुर है और तुम्हारा मुख सुंदर है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, हे धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। हे धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। वीणा बजाकर प्रभु को धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो, उसके आदर में नया गीत गाओ, मन लगाकर वीणा बजाओ। अनुवाक्य, हे धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। प्रभु की योजनाएं चिरस्थाई है, उसके उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। अनुवाक्य, हे धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हम उसकी सेवा करते हुए आनंदित हैं और उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखते हैं। अनुवाक्य, हे धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। जय घोष, अलेलुया। हे इमैनुअल हमारे राजा और विधायक, हे हमारे प्रभु ईश्वर, हमें बचाने आने की कृपा कर। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 वचन संज्ञाएं 39-45 तक। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। यूं ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में
आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के जीवित वचनों के लिए हम सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद दें। आज के पवित्र सुसमाचार में हम सभी लोगों ने सुने कि मां मरियम एलिजाबेथ से मिलने के लिए जाती है और एलिजाबेथ को अभिवादन करती है और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर जाती है और आनंद के मारे उछल पड़ते हैं। जी हां प्रियजनों, इन दिनों हम भी एक दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं। आज मां मरियम एलिजाबेथ से मिलने के लिए गई और आज आप और मैं अनेक लोगों से मिलने के लिए जाएंगे। इन दिनों कैरल्स के लिए जाते होंगे या अलग अलग परिवारों से मिलने के लिए जाते होंगे, क्रिसमस के बधाइयों के लिए तैयारियां करते हुए। और साथ ही साथ जब कभी भी हम दूसरों से मिलते हैं, हमारा मिलन क्या उन व्यक्तियों के जीवन में पवित्र आत्मा को प्रदान करता है। मां मरियम एलिजाबेथ से मिलने के लिए गई और एलिजाबेथ के परिवार ईश्वरीय आशीष से भर गया था। प्रभु येसु संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 में जब प्रभु येसु जक्कायुस के घर गए थे, जक्कायुस के घर में प्रभु की उपस्थिति था, इसलिए जक्कायुस के पूरे परिवार मुक्ति का वरदान प्राप्त किए। आप और मैं भी अनेक लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, क्या हम उन परिवारों के लिए एक आशीष के स्रोत बन सकते हैं? जरूर बन सकते हैं। मां मरियम एलिजाबेथ के परिवार के लिए एक आशीष के स्रोत बनी क्योंकि मां मरियम के अंदर प्रभु येसु थे। जब हमारे अंदर प्रभु येसु रहेंगे तभी जिनको भी हम मिलेंगे वे प्रभु के आशीष से भर जाएंगे, नहीं तो हमारा मुलाकात इस संसार के लोगों के समान आलतू फालतू बातों में ही समाप्त हो जाते। यदि हमारे अंदर प्रभु येसु रहेंगे, जैसे मां मरियम के अंदर प्रभु येसु थे, इसलिए मां मरियम का मिलन एलिजाबेथ के साथ मिली और वहां पर प्रभु की आत्मा उतर आए। उसी प्रकार यदि हमारे अंदर प्रभु येसु रहेंगे, जिनसे भी हम मिलेंगे वे भी प्रभु के आशीष को अनुभव करेंगे, वे भी जरूर बोलेंगे जैसे एलिजाबेथ मां मरियम से कहती है, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ, प्रभु की माता मेरे पास आई। उसी प्रकार जिनसे भी हम मिलेंगे यदि वे प्रभु के आशीष को अनुभव करेंगे वे भी जरूर बोलेंगे, आपसे मिलकर मेरा जीवन आनंदित हो गया क्योंकि आपसे मिलने के बाद मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ कि प्रभु मेरे साथ है। आइए प्यारे मित्रों, प्रभु को लेकर जिनसे भी हम मिलने के लिए जाएंगे उनके पास प्रभु को लेकर जाएं, प्रभु की उपस्थिति उनके जीवन में भी हम प्रदान करें, उसके द्वारा उनके परिवार और हम भी प्रभु येसु के आशीषों से भर जाएं। आमीन। Oh,
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये दान सानंद स्वीकार कर। तूने इन्हें दयापूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, योहन बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सज और प्रशंसा में उल्लसित पाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम आनंद काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। इस पवित्र समय में हम सभी उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनसे भी हम मिलने वाले हैं। हमारी मुलाकात प्रभु के उपस्थिति को एक दूसरे के जीवन में अनुभव प्रदान करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह
मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र येशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग ते राही है। दाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य वे हम सब जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। कमीनी नगरस्तुभ, धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह दिव्य संस्कार जिसे तेरी प्रजा ने ग्रहण किया है, सदा उसकी रक्षा करें ताकि वह निष्ठापूर्ण सेवा द्वारा और तेरे महिमामय प्रताप के अधीन रहकर शरीर तथा मन में पूर्ण उद्धार प्राप्त करे। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तू ही मेरी राह, तू
हम सफरे, तू जो मेरे साथ हो काहे को डरूं, तू जो मेरे पास तो काहे घबराऊं, तू जो मेरे साथ हो काहे को डरूं, तू जो मेरे पास तो काहे घबराऊं, तेरी कृपा मेरी पूजा मिलके गाएगी, मैं हूँ तेरी प्रीत प्रभु तू मेरा मीत, तू मेरी ज्योति तू मेरा घर, तू ही मेरी राह तू हम सफर।